हेलो दोस्तों, मैं मानसु पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग लेके चल रहे हैं मैथमेटिक्स का बेसिक सीरीज और हम आज इस बेसिक सीरीज में सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है। सबसे छोटे टॉपिक से लेकर के हम लोग सबसे बड़े टॉपिक के पास तक जाएंगे कि आखिर में मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे सिंपल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो आपको यदि मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए कि 2 × 3, तो 2 × 3 का मल्टीप्लाई आप कैसे करते हो? 2 × 3 इसको तो क्या कर लेते हो? 6 कर लेते हो। थोड़ा सा और लेवल हम पढ़ा लेंगे आपका। अगर मैं आपको बोल दूं कि 2/5 × 1/6 को मल्टीप्लाई करो, तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर 2 कर लेते हैं और 5 × 6 = 30 कर लेते हैं। इस तरीके से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा और हम आगे बढ़े। अगर हमको बोल दिया जाए 1/√2 × 1/√3 का आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? दोस्तों, अगर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है तो 1 × 1 = 1 कर लेंगे और √2 का जब √3 में मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों ये कुछ ऐसा हो जाएगा √6। दोस्तों, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की सीरीज आगे बढ़ती जाती है और हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर हम मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इस तरीके से बोल दें कि अगर √2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए √3 + √2 में, दोस्तों यहां पर भी मल्टीप्लाई है आपका, √2 का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, तो यहां पर इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखिए। यहां पर जब इसको मल्टीप्लाई करना होता है तो हम लोग पहले √2 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, √2 × √3 करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहां पर प्लस का साइन लगा हुआ है तो हम प्लस लगाएंगे, फिर √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका √6 और ये हो जाएगा आपका 2। जब सेम वैल्यू को रूट में आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है ये बाहर आ जाता है। तो रूट की क्या नियम है, इस रूट वाला जो मल्टीप्लीकेशन होता है इसका क्या रूल होता है, आइए हम आपको यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला रूल दोस्तों, सबसे पहला रूल किसका मैं रूल बताने जा रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन का, वो भी कौन सा, इस रूट वाले का। दोस्तों, अगर यहां पर दिया हुआ है पहला रूल, अगर √2 दिया हुआ है × √2 दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये आकर के क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ऐसे ही रूल सेकेंड की बात कर लें, अगर √2 में आपको √5 का मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दे तो दोस्तों इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हो जाएगा √10। ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स हैं जो हर बच्चे को आना चाहिए। तो आप इस टाइप के वीडियो को अपने छोटे बच्चे घर पर हों या फिर दोस्त के बच्चे हों या रिश्तेदारी में कोई भी बच्चे हों उनको ये वीडियो भेज सकते हैं जिससे कि वो बेसिक कंसेप्ट को सीख सकें। मैंने यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन डाला है और मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हुए सारे मैं यहाँ पर टॉपिक आपको बता रहा हूँ, तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखते जाइए। हम हर टाइप के मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर मैं बताऊँगा। पहले मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन लिया, फिर फ्रैक्शंस का लिया, फिर मैंने रूट का लिया। रूट्स के कुछ रूल हैं, उसको आप ध्यान से देखते जाइए तो आप ध्यान से समझ जाएंगे। अगर सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर आकर के 2 हो जाता है, अगर अलग अलग नंबर है तो बाहर रूट में ही रह जाता है वो 10 करके, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए एक और नंबर मैं लेता हूँ, तीसरा रूल मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं नंबर्स को लेकर के रूल दिखा रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है 2 × √5, दोस्तों ऐसे लिखा हुआ है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। आप ध्यान दीजिए वही काम, यहाँ 2 √2 है, यहाँ पर सिर्फ 5 है, इसके सामने 1 लगा हुआ है, 1√5। यहाँ पर क्या करेंगे कि जो रूट के बाहर है उसका रूट के बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 × 2 कर लेंगे और यहाँ पर रूट में 2 है और रूट में 5 है, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट में। दोस्तों, इस तरीके से रूट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको ध्यान से यहाँ पर समझते रहिए। दोस्तों, आगे हम बात करें, आप इस वीडियोस को छोटे बच्चों को भी दिखा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, क्लास 10th, 9th, 8th या 11th में चले जाते हैं, तो उनको इस रूट्स के कुछ रूल्स नहीं पता होते हैं, वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बात कर लें दोस्तों, अगर हम रूल नंबर 4 की बात कर लें, 4 क्या, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर लें, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है 6√5 × 2√3,
ऐसा कुछ दिया हुआ है दोस्तों, तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। तो जो रूट के बाहर है, हमारे सिक्स भी रूट के बाहर है और टू भी रूट के बाहर है, तो सिक्स का मल्टीप्लाई टू में हो जाएगा, तो हो जाएगा सिक्स टू जा ट्वेल्व दोस्तों, सिक्स टू जा ट्वेल्व हो जाएगा। और जब रूट फाइव का रूट थ्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 15। देख रहे हैं आप लोग, जो नंबर्स रूट के बाहर है उसका उस रूट से मल्टीप्लाई, उस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो रूट में है रूट वाले का रूट वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिर्फ रूट में इन्हीं दो चीज का ध्यान देना, तो कॉमन मल्टीप्लीकेशन है, जो कि अगर बच्चों के सामने आ जाते हैं तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हम इस मल्टीप्लीकेशन करें। आशा करता हूं कि यहां सब चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको एडिशन वाला वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था मान लीजिए रूट टू और प्लस रूट फाइव है, ये ऐड नहीं हो पाएगा, इसको हम ऐसे कर छोड़ देंगे, ये बस इतना ही हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर यहां पर दिया हुआ है रूट टू इंटू रूट फाइव, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके रूट टेन कर सकते हैं। दोनों को बात समझ में आ रही है, ये रूट के रूल है। अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है रूट में टेन और प्लस रूट में टेन दिया हुआ है, इसको हम ऐड कर सकते हैं, और ये ऐड होकर के क्या बन जाएगा आपका, ये ऐड होकर बन जाएगा आपका टू रूट टेन बन जाएगा। इसका मैंने वीडियो प्रीवियस वीडियो बता चुका हूं। अगर इसका मल्टीप्लाई करने की बात कर लिया जाए, जैसे रूट टेन का रूट टेन में मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो ये मल्टीप्लाई होगी क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होकर रूट में हंड्रेड हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट से हैं तो यहाँ पर टेन लिख सकते हैं। तो मेन मुद्दा जो है आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशंस का रूट्स के कुछ रूल है, मैंने यहाँ पर उस रूल्स के एग्जांपल लिए हैं और मैंने आपको बताया हुआ है। आशा करता हूँ दोस्तों कि इस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ आप रूट्स के बारे में सीख गए होंगे और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन सीख गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि यहाँ की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस पर जुड़े हुए बहुत सारे लाखों क्वेश्चन, जैसे हिंदी में बोला जाता परिमेयकरण और इंग्लिश में बोला जाता रेशनलाइजेशन, उसका भी यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं इस रूट्स वाले क्वेश्चंस के रूप में। तो आइए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ रेशनलाइजेशन का, जिसमें इस रूट्स का यूज किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको लगता है कि काम लायक वीडियो है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में और समझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आगे चलिए दोस्तों, अगर हम रूट्स की बात करें, ये सब मल्टीप्लीकेशन का ही आपका एक पार्ट है। अगर मैं हम आपको बात कर लूं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है वन अपान में रूट टू, इसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट है उस रूट को वहां से गायब कर देना। तो कैसे गायब होगा, ध्यान दीजिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर यहाँ नीचे रूट में टू दिया हुआ डिनोमिनेटर में, तो हम ऊपर और नीचे दोनों रूट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और यहां से क्या होगा कि वन में रूट टू का मल्टीप्लाई होगा तो रूट टू हो जाएगा, और नीचे अभी मैंने बताया आपका रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू में हो जाएगा, ये हो जाएगा टू। इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन में इसका बताया, इसका मैंने यूज बता दिया कि इस मल्टीप्लीकेशन का यूज इस रेशनलाइजेशन में किस तरीके से होता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ छोटे से वीडियो में, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है टू माइनस रूट थ्री, और इसका करना हो हमको रेशनलाइजेशन, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं रेशनलाइजेशन का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो में मैं इसका यूज बता रहा हूँ कि किस तरीके से यूज होता है, ठीक है दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से लिखते हैं रेशनलाइजेशन को, और आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है वन अपान टू माइनस रूट थ्री, और इसका करना है हमको क्या, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, बात को ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि जो नीचे दिया हुआ है टू माइनस रूट थ्री, इसके कंजुगेट से नोमरेटर और डिनोमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कंजुगेट क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसकी कंजुगेट को क्या बोलते हैं, टू प्लस रूट थ्री इसका कंजुगेट होगा, और नीचे भी हम इसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब वन में इसका मल्टीप्लाई होगा यही रह जाएगा टू प्लस रूट थ्री रह जाएगा,
और नीचे ध्यान दीजिएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 का और यहां पर भी 2 प्लस रूट 3 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का भी कंसेप्ट यहां से आपके सामने आ जाएगा, किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि आप इसका यूज समझ सके, जो मैंने मल्टीप्लीकेशन आपको भी बताया है उसका यूज कहां और किस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहां पर ही क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 रहेगा और नीचे जब मल्टीप्लाई होगा तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं चीजों को ध्यान से देखिए। पर इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इस 2 का मल्टीप्लाई प्लस रूट 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 रूट 3। क्लियर बात समझिए, जब 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 होगा, फिर इसी 2 का मल्टीप्लाई प्लस रूट 3 में होगा तो हो जाएगा 2 रूट 3। ठीक है, अब आगे आते हैं, यहां पर दिया हुआ है माइनस रूट 3 और इस माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 3। चीजों को ध्यान समझिए, यहां पर दिया है माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 3 और जब फिर हम माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई इस प्लस रूट 3 में करेंगे ये हो जाएगा माइनस 3। चीजों को ध्यान समझिए, मैंने आपको अभी सिखाया था जब रूट का मल्टीप्लाई रूट में होता है तो नंबर बाहर आ जाता है, मैंने यहां पर बताया आपको सेम वैसे ही माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई प्लस रूट 3 में होगा तो 3 बाहर हो जाएगा और साइन लग जाएगा आपका माइनस का। यहां पर ये माइनस में है प्लस में है ये कट जाएगा दोस्तों और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3 ऊपर और नीचे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बन जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि इस क्वेश्चन में आप ये समझ चुके होंगे कि रूट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कितना यूजफुल होता है रेशनलाइजेशन में। आप इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने इस छोटे से वीडियो में इस तरीके से मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश किया, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।